हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट अकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे फरवरी के महीने के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये फोर लाइन ब्रिज ऑन ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक फोर लाइन ब्रिज बन रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये फोर लाइन ब्रिज अप्रूव्ड ऑन ब्रह्मपुत्रा ऑन NH-127B इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय। असम में जो NH-127B है उसको जोड़ेगा एक ब्रिज, जो एक फोर लाइन ब्रिज है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनेगा। इट्स टोटल लेंथ विल बी 19.282 किलोमीटर, तो 19 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। द ब्रिज विल बी बिल्ट अंडर द स्कीम ऑफ नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो जिस प्रोजेक्ट के अंडर ये बन रहा है उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इट विल सेव ह्यूज डिस्टेंस फ्रॉम 205 to 19 किलोमीटर। तो ये जो 205 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको ये 19 किलोमीटर में कर देगा। कैबिनेट अप्रूव 10% रिजर्वेशन फॉर जनरल कैटेगरी पुअर इन जम्मू कश्मीर। कैबिनेट ने जो है 10% रिजर्वेशन जो पुअर के लिए है वो रिजर्व कर लिए हैं, अप्रूव कर लिया है उसको जम्मू कश्मीर में। द सेंटर ऑन थर्सडे अप्रूव्ड एन ऑर्डर फॉर गिविंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड फॉर प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स टू SC and ST इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन जो है उन्होंने अप्रूव कर दी है, और साथ ही में जो गवर्नमेंट जॉब्स में जो रिजर्वेशन थी प्रमोशन में ST और SC के लिए उसको भी अप्रूवल दे दिया। इट विल एक्सटेंड द रिजर्वेशन अप टू 10% फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनके लिए 10% की जो है रिजर्वेशन रखी गई है। 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन मार्च 1 एंड इट एम्स टू एड्रेस द इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो मनाया जाता है, और इसमें इसका एम है कि जो भी अक्रॉस द वर्ल्ड जो लोग हैं उनके जो डिस्क्रिमिनेशन है उनके साथ ये उस पर एम करेगा। द थीम वाज एक्ट टू चेंज लॉज एंड डिस्क्रिमिनेट, उसकी थीम थी एक्ट टू चेंज लॉज एंड डिस्क्रिमिनेट। नरेश गोयल रिजाइन एज चेयरमैन, नरेश गोयल ने जो चेयरमैनशिप से रिज़ाइन कर दिया है। तो जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल हैज़ एग्रीड टू स्टेप डाउन एज चेयरमैन ऑफ द एयरलाइन बोर्ड। तो जो एयरलाइन का जो बोर्ड था उसमें से जो चेयरमैन थे नरेश गोयल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ही फाउंडेड द फुल सर्विस कैरियर 25 years ago। तो जो फुल सर्विस कैरियर है जेट एयरवेज को उन्होंने 25 साल पहले उसकी फाउंडेशन रखी थी। हैज़ आल्सो एग्री टू रिड्यूस हिज 51% स्टेक, और उनका जो 51% का जो स्टेक था उसको भी रिड्यूस कर दिया उन्होंने। नाइजीरियन प्रेसिडेंट री इलेक्टेड फॉर सेकेंड टर्म, नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट थे उनको सेकेंड टर्म के लिए फिर से री इलेक्ट कर दिया गया। नाइजीरियन प्रेसिडेंट मोहम्मद बुहारी हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर ए सेकेंड 4-year term, तो नेक्स्ट 4 year के लिए उन्हें री इलेक्ट किया गया। बुहारी डिफीटेड हिज मेन राइवल फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट आटिकू अबूबाकर, तो उन्होंने आटिकू अबूबाकर को हरा के जो है वो प्रेसिडेंटशिप हासिल की है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाइजीरिया की कैपिटल जो है वो अबूजा ट्रेंडिंग है, और जो करेंसी है वो नाइजीरियन नायरा है। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस चिप अनवील्ड, इंडिया में जो है जो इंडिया ने ही बनाई है पहली चिप सेमी कंडक्टर चिप वो उन्होंने अनवील की। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस सेमी कंडक्टर चिप वॉज अनवील्ड बाय सेमी कंडक्टर कंपनी। ये सिग्नल चिप जो कंपनी है सेमी कंडक्टर कंपनी, इसने ये बनाई है, और ये है किसके लिए यूज़ होगी, ये 4G LTE के लिए और 5G जो मॉडम्स हैं उनके लिए, और ये जो अनवील की इन्होंने न्यू दिल्ली में की है। जो 4 चिप्स और जो थी जिसी के साथ जिनको अनवील किया गया वो है SC BM 3412, SC BM 3404, SC RF 3402 और SC RF 4502। करंटली इंडिया आर डिवाइसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वेदर इम्पोर्टेड और डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड यूज इम्पोर्टेड सिलिकॉन चिप्स। जो करंटली इंडिया में क्या होता था कि जो भी डिवाइस थे उनको जो इम्पोर्ट किया जाता था, या सिलिकॉन चिप को जो है उसको इम्पोर्ट करते थे, तो उसके बाद जो है वो सेमी कंडक्टर चिप बनाते थे। लेकिन अब क्या है कि सिग्नल चिप जो कंपनी है इन्होंने जो है अनवील कर दिया है इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस सेमी कंडक्टर चिप। सौरभ एंड मनु क्लिंच गोल्ड, सौरभ चौधरी और मनु दिवाकर जो हैं इन्होंने गोल्ड लिया है ISSF जो वर्ल्ड कप है
उसमें सौरभ चौधरी एंड मनु बाकर वॉन द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड किया, और ये इन्होंने मिक्स टीम में किया। अलिया सौरभ चौधरी वॉन द गोल्ड मेडल इन हिज फर्स्ट सीनियर वर्ल्ड कप। इससे पहले सौरभ चौधरी ने एक गोल्ड ले चुके हैं सीनियर। एचआरडी मिनिस्ट्री लॉन्च न्यू स्कीम। एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक न्यू स्कीम जो है लॉन्च की है, इसका नाम है श्रेयस। ये इन्होंने की 27 फरवरी 2019 को। इट विल प्रोवाइड इंडस्ट्री अप्रेंटाइसशिप और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी टू फ्रेश ग्रेजुएट्स। ये जो है जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। दिस कोर्सेज विल बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम एकेडमिक ईयर अप्रैल मई 2019। तो ये इनको अवेलेबल होंगे अप्रैल से मई 2019 में। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्च पोर्टल। जम्मू एंड कश्मीर जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है SIMS, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये और ये किया इन्होंने JNK के जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक ने। इट विल प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द स्टेट डिपार्टमेंट्स टू अपलोड द इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट। जो भी जो प्रोजेक्ट हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पर जो है वो अवेलेबल होगी। द पोर्टल विल डील विद द मैनेजमेंट मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन एंड पेमेंट सिस्टम। जो है वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो मैनेजमेंट है, मॉनिटरिंग है, इन्फॉर्मेशन है या पेमेंट सिस्टम है, वो सब इस पे अवेलेबल। द ऑफिशियल पोर्टल डेवलप्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन कोलेबोरेशन विद द नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट डेवलप की है नेशनल इन्फॉर्मेटिक NIC की कोलेबोरेशन के साथ। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे जो होता है वो 28 फरवरी में होता है। इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन फरवरी 28 एवरी ईयर। हर साल ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। फेमस इंडियन साइंटिस्ट सी वी रमन डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट ऑन दिस डे। और इस दिन जो है सी वी रमन ने जो है रमन इफेक्ट जो है इस दिन डिस्कवर किया था। उसके बाद इसकी थीम जो है वो साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस। ये थीम जो है वो मैक्सिमम टाइम्स पेपर में पूछी जाती हैं, तो ये आपको जो है रिमेंबर होनी चाहिए। सी वी रमन वॉज अवॉर्डेड द नेशनल नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स इन 1930। जो सी वी रमन हैं उनको नोबल प्राइज़ दिया गया था फिज़िक्स के लिए 1930 में फॉर हिज डिस्कवरी। ये जो डिस्कवरी थी रमन इफेक्ट। ए 4-lane bridge विल बी कंस्ट्रक्टेड इन आसाम ऑन विच रिवर। तो आसाम में जो रिवर है जिसके ऊपर 4-lane bridge बनाया जाएगा वो कौन सी है, वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। JNK अप्रूव्ड रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली जनरल सेक्शन फॉर हाउ मच परसेंट। कितनी परसेंट से जो है वो रिजर्वेशन दी गई है इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है वो है 10%। 0 Discrimination Day सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो ये 1 मार्च को बनाया जाता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जेट एयरवेज। एयरवेज के जो फाउंडर थे वो हैं नरेश गोयल। कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो है अबूजा ट्रेंडिंग। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सेमी कंडक्टर चिप वॉज इनवील्ड बाई विच सेमी कंडक्टर कंपनी। तो ये इसका नाम है सिग्नल चिप। नेम द पोर्टल विच हैज़ बीन लॉन्च बाई द JNK गवर्नमेंट फॉर देयर लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट। तो जो JNK गवर्नमेंट है जिन्होंने एक पोर्टल तैयार की है अपने लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उसका नाम है SIMS, यानी कि स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग सिस्टम। नेशनल साइंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी इन द मेमोरी ऑफ इस फेमस साइंटिस्ट। तो ये जो फेमस साइंटिस्ट हैं ये हैं सी वी रमन। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।